क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इनमें से ऑप्शन आपके पास गिवन है, इनमें से कौन सी बॉन्डिंग ऐसी है जो प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोजन आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी सीक्वेंस में। तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में आती हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी और लास्ट वन है क्वार्टरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर होती है, लीनियर सीक्वेंस में इसमें यहाँ पे अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड लिंकेज होती है कोवेलेंट इन नेचर। तो अगर हम कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्डिंग मेनली प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्डिंग के अलावा इसके कोई बॉन्डिंग नहीं होती। दूसरी बात कि ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है यही प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाती है, यही पेप्टाइड लिंकेज है, तो कोवेलेंट बॉन्ड तो हर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में होगी। सेकेंड हमारे पास ऑप्शन है सेकेंडरी प्रोटीन के लिए। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की शेप होती है हेलिकल, इस तरह से स्प्रिंग लाइक। तो ये जो लीनियर सीक्वेंस को हेलिकल शेप बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में प्रोटीन को सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास आयोनिक बॉन्डिंग और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। आयनिक बॉन्डिंग और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, बेसिकली आयनिक बॉन्डिंग की बात करें तो ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में, टर्शरी स्ट्रक्चर में, थ्री डायमेंशनल शेप में ये मौजूद होती है आयनिक। और इसके अलावा आयनिक बॉन्डिंग ना सेकेंडरी में होती है ना प्राइमरी में होती है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की बात करें तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की स्पेसिफिक रीज़न होती है कि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बनाती है। तो इस वजह से हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी ना प्राइमरी में होती है ना सेकेंडरी में होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सी ऐसी बॉन्डिंग है जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो एक बात यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड भी मौजूद होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में और हाइड्रोजन बॉन्ड भी मौजूद होता है। लेकिन जब क्वेश्चन आए कि कौन सी ऐसी खास बॉन्डिंग है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना रही है, तो वो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जो इसको हेलिकल शेप पे, यहाँ पे हेलिकल जो ये स्प्रिंग लाइक शेप है वो देगी, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन प्राइमरी में कोवेलेंट बॉन्डिंग मौजूद होती है और सेकेंडरी में कोवेलेंट बॉन्डिंग भी होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसी बॉन्डिंग है जो कि खास तौर पर रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी स्ट्रक्चर को सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए।